अस्सलामुअलैकुम एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ईद मुबारक सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। और सेकेंडली तो आज मेरा वेलकम टू माय अनदर व्लॉग और आपका भाई अल्लाह वाले चौक में ही खड़ा है बिकॉज़ कुछ सामान था लेना है। बिकॉज़ आपको पता है कि फर्स्ट डे हमने गांव जाना होता है क्योंकि वहाँ सारे उन्हें इकट्ठे होने होते हैं, तो वहीं के लिए कोई सामान ले रहे हैं। और चीबोटी भी हो रही है, दो काम मेन है जो घर में करने हैं। एक तो पहला चीबोटी वो हो रही है, वो फूल बेची जा रहा है और 100 रुपये किलो किए जा रहा है, बेची जाए कोई मसला नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको गांव पहुंचकर। और जो सेकंडली था वो है यार बाल शाल कटवाना, तो वो भी कटवाए जाएँगे अब। तो उसके बाद मिलते हैं, आँखें भी नहीं खोल रही बिल्कुल भी क्योंकि नींद में काफ़ी ज़्यादा हूँ रात की लेट सर। बाकी मिलते ही चला आपको, चीप बोटी तो हो गई है तो सामान लेने लगा हूँ, बाल शाल कटवाने हैं, नहा धो के चेंजिंग करके और फिर इंशाल्लाह गाँव मिलते हैं चला आपको गाँव पहुँच कर। A few moments later. गर्मी, एक गर्मी सूरज की तरफ से, दूसरी गर्मी मम्मी डैडी बच्चों की तरफ से, समझ रहे हो। कपड़े में पुराने पाए हैं मेरे घर में, पुराने से तेनों अपना देसी तरीके ना मिल नहीं सकता क्योंकि तेरी इज्जत मेरी रहे भाई। सब ने ईद मुबारक ही कह दे, तू मुसलमान भाई ईद मुबारक सबको। आज ही कुड़ियों वाला फैशन किया होया है और इधर आने में खाई आई है। अच्छा तो भाई बात रहेगी दानिश की, दानिश आज घर से निकला है तकरीबन कितनी देर बाद, आज जब से फैसला पता है ये बाहर नहीं निकलता बिल्कुल भी, तकल्लुफ करता ही नहीं है। कुर्बानियाँ भी तुम्हें लिया हुई हैं पग। मिलते हैं शराब को शाम के पास पहुँच कर। हाँ हूँ थोड़ी एनर्जी आन लगी, कसम से सुबह जब शुरू किया एंड लेवल नींद ही नहीं आई हुई। पग मिलते हैं शराब को और शाम सूट वूट पहन के ईद पढ़ के कसाई के इंतज़ार में कि कब आए, कब जान निकले, कब हम ईद मिलें। लेकिन मैंने कहा मैं ही शर्म खाऊँ क्यों ना भाई को आके मिलाऊँ। ईद मुबारक भाई, मुबारक। 3 मरतबा मिलेंगे हम, यू नो द रीज़न वेरी वेल। भाई आपका कसाई क्यों नहीं आया अभी तक ये बताए ना, खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही बनना पड़ेगा। यह है इसका छोटा भाई, नाम क्या है तेरा? हाँ वो है मेरा फेवरेट पर्सन, क्या कहते हैं इसे, तकीर गादी। ईद मुबारक भाई, चले मिलते हैं इंशाल्लाह आपको साइम की थोड़ी सी खातरदारी करने के बाद। हाँ तो आपका भाई रेडी हो चुका था, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, आपको आवाज़ आई होगी। भाई मैं भी आज, मतलब आज नहीं लगता ही हूँ, मैक्सी लगा रहा हूँ। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मौसम भी माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत अल्लाह की रहमत, मौसम भी बहुत औसम हो चुका है और बारिश भी बताई हुई है तकरीबन 90% 80% बताई हुई है। तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह बारिश होगी, आपको पता बारिश में तो अच्छा फील होता है। और अब रेडी हो चुके हैं, बाबा सानी कार में है, मैं दिखाता हूँ आपको और फिर गांव पहुँच के इंशाल्लाह आपको मिलते हैं, कनेक्टेड रहिएगा। हमारे जो जीने की वजह है भाई, हमारी जिसके साथ खुशी है वो है मेरे वालिद साहब। गांव तो हम आ गए थे, वो खड़ी है मेरी लारी डेट वन और ये खड़ी है ताबू की लारी और बड़े ताबू की खड़ी है अंदर लारी और एक ताबू को खड़ी है उधर लारी, मतलब 5 ताबू 6 लोग हैं ना टोटल, तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 गाड़ियां भी हैं, मतलब अलग है ना। ये खड़ी है बड़े ताबू की टैंकी, मतलब उनकी असल लारी ना ट्रैक्टर ट्रॉली, मतलब क्योंकि ज़मींदार वगैरह होता है तो वो ही है। तो यार गर्मी काफ़ी हद तक ज़्यादा है इसलिए मैं आपको कहीं बाहर नहीं ले जा सका फ़िलहाल, तो फ़िलहाल बात उसे काम गुजारा हो रहा है, लेकिन जब ही मुझे ऑप्शन मिलेगा बाहर जाने का तो मैं बाहर लेके जाऊँगा और आपको सैर करवाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको, कनेक्ट रहिए। 2000 years later तो भाई हुआ यूँ कि कुछ जानवर इधर बैठे हैं और एक मेरे साथ है और... आजा यार आजा। और अब हम जा रहे हैं, अहमद कह रहा था यार मुझे ना घर में एसी में मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मुझे मम्मी डैडी बच्चे वाला ना स्वैग आ रहा है, तो मैंने जाना है गर्मी में भाई, गर्मी में बैठने जाना है। तो
चलिए हम जा रहे हैं वहाँ। ये सारे घर अपन के ही हैं, अपन के मतलब अपने ही हैं सारे रिलेटिव्स के, तब लोगों के। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, लॉक वगैरह खोल लें, देखो क्या बनता है। यहाँ पर ना कज़न ने एक मतलब बैठने के लिए बैठक टाइप बनाई हुई है, तो वो बड़ी लेवल की जगह है। तो दिखाता हूँ आप करोगे लॉक खोलने के बाद। मैंने लॉक तो खोल लिया है और शुक्र है उस खुदा का, उस जात पाक का, अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों मरतबा के बादल एक मरतबा दोबारा आ चुके हैं और मौसम हो चुका है, स्मैक्सी हो चुका है। तो ये है वो डेरा, मतलब डेरा टाइप बैठक टाइप है। वो मैं स्पीकर भी ले गया है वो फरा जी, इतने बजाने इतने कड़ा को पूछने वाला है। और आपको ये है एंट्री, वो रूम है, इधर वॉशरूम है, यहाँ बैठने के लिए शाम को। और इधर मैं आपको बड़ी काम की चीज़ दिखाता हूँ, तूने देखी है पहले? नहीं देखी, वो चेक कर, वो चिड़िया तोते बड़े लेवल गए हैं यार। मैं आया था पहले, मैंने भी फर्स्ट टाइम अभी कुछ देर पहले ही देखा। तो ये हैं हमारे अच्छे वाले मेहमान, इधर आओ भाई, ओए नज़र आ जाओ, फोकस ही नहीं हो रहा। चलो फिर भी थोड़े बहुत नज़र आ गए हैं। तो अगर गर्मी लग रही है तो कोई मसला नहीं, मैं डकी भाई की वीडियोस लगा देता हूँ यार, मसले वाली बात ही नहीं है। तो फिलहाल स्पीकर वगैरह कनेक्ट करके फिर मिलते हैं। One eternity later. किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहां ढूंढूंगे। कुछ नहीं वो घर में फ्री बैठा था, टापू कह रहे फ्री नहीं बैठना, ये ले ये उठा और मिट्टी उधर डाल और मेरे सांस फूल रहे हैं, उनका देखो क्या बनता है। और आज पता चला है कदर कीमत का कि क्या होती है और कितनी मुश्किल होती है। तब मुझे ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे करते हैं और कैसे नहीं, ट्रिक सीख रहा हूँ। बाकी ये है ज़मीन, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको। अब तो अब वो दूर चले गए, अब मैं आपसे ऊंची बात कर सकता हूँ। तो ये है वो असला जिसके साथ हमें मिट्टी थोड़ी सी फिल करनी थी, क्योंकि बारिश के अमकान थे। तो तब वो कह रहे थे मतलब टूट शूट ना जाए या कोई पट वगैरह जो भी कहते हैं इसे, तो उसी सिलसिले में मिट्टी वगैरह फिल करनी थी। तब वो दूर गए इसलिए ऊँची बोल हो रहा है, तो आपको नज़र नहीं आ रहा नहीं। लेकिन कसम से मैं ना तीन मिनट तकरीबन 3 मिनट लगे होंगे तो पसीने से शराबूत हो गया, क्योंकि भाई बहुत हार्ड वर्किंग है। एक कसम से देखने को लगता है कि वो दूर काम कर रहे हैं ज़िम्मेदार, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह भाई सबको हिम्मत दे, क्योंकि अगर ये काम होता रहेगा तो हम खाते पीते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से तो प्रोटेक्शन होती है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपको, वैसे भी शाम हो चुकी है और तैबू भी पहुँचने वाले हैं। मिलता है इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा रिन्यू होकर। बाय बाय।